नमस्कार साथियों, आज अपन रीट लेवल फर्स्ट के मैथमेटिक्स विषय के मैथमेटिकली ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जहां अपने तीन क्लास से पहले हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास है जिसका नाम है विभाज्य। विभाज्य से तात्पर्य है आपको संख्याएं, कोई संख्या बता दी जाती है, वहां कोई वैल्यू हिडन कर दी जाएगी नंबर की, पूछ लिया जाता है ये यहाँ का मान क्या है, यदि ये इससे विभाजित होती है, या कोई एक्स वाई दो टर्म्स भी रिमूव कर देता है फिर पूछ लेता है। तो इसके ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको पहले विभाज्य नियम आने चाहिए, यानी विभाज्यता का नियम क्या है ये आपको पता होना अति आवश्यक है, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। जैसे पहले अपना नियम है, जो फर्स्ट नियम है वो है दो का नियम। देखिए फर्स्ट नियम है दो का नियम। अब दो का नियम क्या है ये समझो, हर उस संख्या में दो का भाग जाता है जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक क्या हो, जीरो दो चार छ आठ। हर उस संख्या में दो का भाग जाएगा जिसका इकाई अंक क्या हो, जीरो दो चार छ आठ हो, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका जिसका इकाई अंक, इकाई अंक जीरो दो चार छ आठ हो, या अपन कह सकते हैं सम संख्या हो। क्या कह सकते हैं, अगर कोई सम संख्या है, अगर कोई सम संख्या है तो उसमें भी किसका भाग जाता है, दो का, क्योंकि वो सम तभी होगी जब इकाई स्थान पर क्या हो, जीरो दो चार छ आठ। कलिए बात, इसके बाद में जो है अपना नेक्स्ट जो नियम है, यानी अपना नियम आता है तीन का नियम। देखिए तीन का नियम, तीन का नियम क्या है, बहुत ईजी है और आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होती है। क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है तो वह संख्या तीन से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित। यानी यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित है, तीन से विभाजित है, विभाजित है तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होती है। ये क्या नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित हो, वो संख्या किससे विभाजित होगी, तीन से। जैसे अपने पास लिख दिया जाए यहां पर, जैसे ये है कितना है, 1036 है, अगर इसे जोड़े अपन तो कितना हुआ, ये होगा चार चार छह दस हो गया, दस हो गया ना। लेकिन ये क्या दस में भाग जाता है क्या, तो नहीं जाएगा तीन का, क्योंकि तीन का नहीं जाएगा तो फिर इसमें भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर, लेकिन अगर अपन इस संख्या को लिख दें ऐसे, अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें अपन इस संख्या को, एक जीरो जीरो दो और ये छह। देखिए अब यहां पर देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है, एक प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस दो प्लस छह, कितना हो गया, नौ। क्या नौ में भाग जाता है क्या तीन का, हाँ जाता है, तो फिर इसमें भी तीन का भाग जाएगा, इसमें भी किसका भाग जाएगा, तीन का। जैसे अपने को एक नंबर लिख दे, नौ आठ जीरो एक, ये कोई संख्या है, पहली बात। तो यहां देखिए अंकों को जोड़िए, कितना है, नौ आठ सत्रह, सत्रह और एक अठारह, क्या अठारह में तीन का भाग जाता है क्या, जाता है ना, तो इस संख्या में भी तीन का भाग जाएगा। ये किसका नियम है, तीन का, यानी यदि अंकों का योग तीन से विभाजित है तो वह संख्या तीन से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। कलिए बात यहां, नेक्स्ट नियम चलते हैं, तीन की तरह यह एक नियम और वो नियम है नौ का नियम। किसका नियम है, नौ का नियम। और नौ का नियम क्या है ये समझे, ये तीन के नियम की तरह ही है। तीन का नियम क्या है, अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, तीन से, तो वह संख्या किससे विभाजित होती है, तीन से। इसी तरीके से अगर अंकों का योग नौ से विभाजित है तो वह संख्या भी नौ से विभाजित होती है। अगर अंकों के योग में किसका भाग जाए, नौ का, तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, नौ का। यानी कह सकते हैं यदि यदि किसी संख्या, किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग
9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए वैसे ही नियम है जैसे किसका था, 3 का। जैसे अपन यहां एक एग्जांपल ले लें, 9 0 8 0, ये एक संख्या है तो इन अंकों को जोड़े अपन तो कितना हो रहा है 18। तो 18 में 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ये लीजिए ऐसा नियम किसका है, 9 का है। चलिए बात इसके बाद में आता है अपने पास 4 का नियम। किसका नियम है, 4 का नियम। देखिए बहुत ईजी है 4 का नियम। और क्या है 4 का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या है, 4 से विभाजित। यानी किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जा रहा है तो वो 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। और यहीं पे एक और बात होती है, यदि अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो तो भी उसमें किसका भाग जाता है, 4 का। यानी किसी संख्या के अपन कह सकते हैं यहां पर संख्या के अंतिम 2 अंक 0 या उनसे बनी संख्या 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए बहुत इजी नियम है, क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, या तो 0 हो, या तो क्या हो, 0, या उनसे बनी संख्या यानी उनके स्थान पर कोई संख्या बन रही है वो भी अगर 4 से विभाजित है तो उस संख्या में किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। जैसे अपन यहाँ कह दें ये है 1700, लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, यहाँ 2, तो 2 जीरो आ रही है ना, तो इसमें 4 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लिख दिया 2100, कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है ना, यहाँ पे 2 जीरो आ रही है तो यानी अंतिम 2 अंक क्या है, 2 शून्य है, तो इसमें 4 का भाग जाएगा। मान लीजिए यहाँ लिख दिया जाए 1948, यहाँ जो लास्ट में 2 अंक है, लास्ट में 2 अंक है 48, इसमें 4 का भाग जाता है ना, तो 1948 में भी जाएगा। अगर मैं इसे लिख दूं इतना तो भी जाएगा, क्योंकि अभी भी इस संख्या से बनी गई संख्या के अंतिम 2 अंक में किसका भाग जा रहा है, 4 का। ठीक है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, पूरी संख्या में 4 का। ऐसा ही जो नियम है वो नियम होता है 8 का। ऐसा ही नियम किसका है, 8 का। तो देखिए अपना जो फिफ्थ रूल है वो है 8 का नियम। 8 का नियम देखिए बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। समझिए क्या कह रहे हैं, यहां पर बताया 4 के नियम में अंतिम 2 अंक क्या हो, 0, तो उसमें किसका भाग जाएगा, 4 का, या उनसे बनी गई संख्या में किसका भाग जाएगा, 4 का, तो उसमें 4 का जाएगा। ऐसे ही 8 का नियम है। 8 का नियम यह है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक क्या हो, 0, या उनसे बनी संख्या में किसका भाग जाता हो, 8 का, तो संख्या में 8 का भाग जाता है। 4 में तो कितनी थी, 2 जीरो या 2 अंकों की संख्या लास्ट की, और इसमें कितनी है, 3 जीरो या उनसे बनी गई संख्या। तो यहां लिख सकते हैं संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या उनसे बनी संख्या में 8 का भाग आए, में 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है, इससे 8 से, यानी अंतिम 3 स्थान पर। ठीक है, जैसे यहां है अपना है 11000, कितना है 11000, लास्ट में क्या है, 3 जीरो है ना, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 8 का जाएगा। अगर यहां पे लिख दिया जाए, मान लो 91512 लिख दिया, तो अंतिम 3 अंक में किसका भाग जा रहा है, 8 का, तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाता है। क्लियर,
ऐसा ही जो नियम है, ये नियम होता है 16 का, 16 का नियम, 16 का नियम ऐसा ही है, जैसे 4 में अंतिम 2 अंक थे, 8 में अंतिम 3 अंक हो गए, तो 16 में क्या हो जाएंगे, अंतिम 4 अंक, यानी या तो वो 4 अंक क्या हो, शून्य हो, या उनसे बनी गई संख्या में किसका भाग जाए, 16 का, तो संख्या में 16 का भाग जाता है। यानी कह सकते हैं यहां पर क्या, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या हो, शून्य, शून्य हो, या उनसे बनी, उनसे बनी संख्या 16 से विभाजित हो, 16 से विभाजित हो, तो उस संख्या में 16 का पूरा 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 भाग जाता है, ये लिखिए, पूरा पूरा भाग जाता है। अगली बात, यानी अंतिम 4 अंक क्या हो, शून्य, या उनसे बनी गई संख्या में किसका भाग जाता हो, 16 का, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 16 का। जैसे अपने यहां लिख दिया जाए 90 लिख दिया, लास्ट में कितनी जीरो है, 4 जीरो है ना, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 16 का भाग जाएगा। अंतिम 4 अंक क्या हो, शून्य, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 16 का। मान लीजिए यहां आपको लिख दिया जाए, मान लो एक संख्या लिख दिया आपको यहां, क्या इसके अंतिम 3 अंकों 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है, जाता है ना अंतिम 4 अंकों में, तो उस संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। ये लीजिए नियम है, 4 में तो कितनी आई, अंतिम 2 अंक या 2 0, 8 में अंतिम 3 अंक या 3 0, 16 में अंतिम 4 अंक या 4 0। तो ऐसा ही जो नियम है अपन कह सकते हैं 32 पर, ऐसा नियम किस पे अप्लाई कर सकते हैं अपन, 32 पर। और 32 का नियम भी बहुत इजी है, 32 का नियम क्या नियम हो गया, तो वहां 16 में 4 आए तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 5, यानी संख्या के अंतिम अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक शून्य हो, या उनसे उनसे बनी संख्या 32 से विभाजित हो, 32 से विभाजित हो, तो वह संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित होती है, 32 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ये लीजिए ये नियम किसका हो गया है, 32 का, ठीक है ना। 4 में 2 जीरो आई, क्लियर बात, और 2 अंकों की बनी गई संख्या में 4 का भाग जाता है। 8 में 3 जीरो या उनसे बनी गई संख्या में 8 का, 16 में 4 जीरो या उनसे बनी गई संख्या में 16 का भाग जाए, तो 32 में कितने 5 जीरो या उनसे बनी गई संख्या में किसका भाग जाए, 32 का, तो वह संख्या 32 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं अपन, और वो नियम अपने पास है 4 के बाद में कितना आएगा, 5 का नियम। क्या है 5 का नियम, देखिए क्या है 5 का, बहुत इजी है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5, या क्या हो, 0, तो उसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। यानी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तो 0 या क्या हो, 5, शून्य या 5 हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, शून्य हो या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहां लिख दें, इकाई अंक क्या है, 5 है ना, तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। कलिए बात यहां अगर लिख दिया जाए, इकाई अंक कितना है यहां पर, 0 है, तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 5 का। ये नियम किसका है, 5 का। कलिए बात ऐसे पर बात करें अपन 10 का नियम, इसकी बात करें 10 का नियम, तो देखिए 10 का नियम क्या है, बहुत इजी है 10 का, तो 5 से भी ज्यादा इजी है 10 का नियम।
दस का नियम यह है यदि इकाई स्थान पर क्या हो शून्य, इकाई स्थान पर क्या हो शून्य, तो संख्या में किसका भाग जाता है दस का, यानी अपन कह सकते हैं संख्या का इकाई अंक शून्य हो। ठीक है, यानी अगर शून्य हो तो उसमें किसका भाग जाता है दस का। जैसे अपन लिख दें यहां पर इकाई स्थान पर कितना है शून्य, तो पांच दस का भाग जाएगा। यहां पर अपन कह सकते हैं क्या इकाई स्थान पर शून्य है तो भाग जाएगा पांच का। अब देखिए पांच का भाग जाता है इसमें, और इसी में किसका जाएगा दस का। अब ये जिस संख्या में पांच का जाता है जरूरी नहीं है दस का जाए, हाँ लेकिन दस का भाग जाएगा ना तो जरूरी है किसका जाएगा पांच का। अगली बात यहां आता है चार का भाग जाता है जरूरी नहीं है आठ का भी जाए, लेकिन यदि आठ का विशेष संख्या में भाग जा रहा है तो चार का डेफिनेट जाएगा। अगली बात यहां तक आ रही है समझ में, तो इससे आगे चलते हैं अपन। और अगला नियम है अपना छह का नियम। कितने का नियम है छह का। देखिए क्या है छह का नियम बहुत ईजी है। छह का नियम है यदि संख्या में दो संख्या में दो संख्या में दो तथा तीन का दो तथा तीन का भाग जाता है तो वह संख्या छह से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए बहुत इजी नियम है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या कह रहे हैं, संख्या में दो तथा तीन का भाग जाता है तो वह संख्या छह से क्या होती है पूर्णतः विभाजित। क्यों, क्योंकि जो अपने पास छह है इसका मतलब है दो गुणा तीन, यानी अगर दो का भाग गया और तीन का भाग गया तो उसमें किसका भाग जाएगा छह का। अब दो का नियम क्या था, वह संख्या क्या होनी चाहिए सम, यानी इकाई स्थान पर जीरो दो चार छह आठ होना चाहिए। और तीन का नियम क्या है, अंकों का योग किससे विभाजित हो तीन से, तो संख्या में किसका भाग चला जाएगा छह का। जैसे अपन यहां पे लिख दें, मान लो एक संख्या लिख दी 1026 है। ठीक है, अब अंक पहली बात ये सम है, ये क्या है सम, तो दो का नियम लग गया। अंकों का योग जोड़े तो कितना हो रहा है एक जीरो दो और छह, कितना हो गया अपने पास नौ, तो इसमें तीन का भाग भी जाएगा। तो अगर इसमें दो का भी जा रहा है इसी में तीन का जा रहा है तो इसमें किसका भाग जाएगा छह का भाग जाएगा। यह बात यह समझ में, जैसे अपने यहां लिख दें एक और नंबर ले लें, ये कल ये बात है। अब पहली बात 18 हो रहा है अंकों का योग, 18 हो रहा है ना तो तीन का तो भाग जाता है, लेकिन यहां क्या है एक है, तो लेकिन एक इसके एक होने की वजह से किसका भाग नहीं जाएगा इसमें दो का, तो अब दो तीन का तो जा सकता है लेकिन दो का नहीं जा रहा तो इसमें छह का भाग नहीं जाएगा। दो तीनों का दोनों का जाना चाहिए, एक का जाएगा तो नहीं है, दोनों का जाएगा तभी है आंसर। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को चेंज करके अपन लिख दें देखिए, अगर मान लो मैं लिख दूं इतना, देखिए अब जाएगा क्या, पहली बात है ये सम है, ये क्या है सम, तो दो का जाएगा भाग। अब तीन का अंकों का योग से है तो नौ एक दस दस आठ अठारह अठारह भी जाता है क्या तीन का, तो जाएगा यानी दो का भाग भी जा रहा है तीन का भी जा रहा है इसलिए इसमें छह का भाग जाएगा। ये किसका नियम था छह का नियम। अगली बात यहां अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नियम की आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर नियम है, यहां अपने पास कितने नियम हो गए हैं पहले देख लें एक बार, नियम हो गए कितने दस हो गए। कलिए बात अब यहां है अपने पास अगला नियम सात का नियम। देखिए सात का नियम देखिए क्या है, सात का नियम ये है स्टूडेंट्स कि आप क्या कीजिए, जो भी कोई संख्या है उसका इकाई अंक का दुगना कीजिए और शेष अंकों की जो संख्या बची है उसमें घटाते जाइए।
अगर उसमें वो घटाते जाएंगे ऐसे ही इकाई अंक का डबल करते घटाते जाओ घटाते जाओ, अगर वो संख्या जो बचे वो सात से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः सात से विभाजित होती है। क्या है? इकाई अंक का दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटाते हुए ये चलते जाना है। अगर लास्ट में अपने पास किससे विभाजित संख्या बचे सात से, तो उस संख्या में किसका भाग जाता है? सात का भाग जाता है। देखिए कैसे, जैसे अपने पास एक संख्या है, ये एक संख्या है, सही है। अब अपने को इस संख्या का देखना है कि इसमें सात का भाग जाता है या नहीं जाता, तो इकाई अंक देखिए यहां, यहां इकाई अंक कितना है? इकाई अंक ये अपने पास हो गया है एक, ठीक है। इसका दुगुना करेंगे, इकाई अंक एक तो है, इसका क्या करेंगे? दुगुना, और दुगुना करके यहां से इकट्ठा देंगे, यानी दुगुना किसमें से बिठाएंगे? जो शेष संख्या बची है। तो शेष संख्या अपने पास कितनी है? 296, इसमें कितना घटा दें? इसका दुगुना, यानी इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? दो, ठीक है। कलिए बात ये अपने को कर देना है माइनस, तो यहाँ कितना बच गया अपने पास? चार। यहाँ कितना बच गया? चार। यहाँ कितना बच गया? नौ। और यहाँ दो, 294 बच गया। अब यहाँ इकाई अंक कितना है? चार, यानी इकाई अंक, इकाई अंक कितना है? चार। तो अब क्या करें अपन, इस चार का क्या करेंगे? डबल, ठीक है ना। और उसमें से शेष अंकों से बनी गई संख्या कितनी है? 29, इसमें घटाएंगे, यानी यहां 29 में चार का दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? आठ। चार का दुगुना कितना कर देंगे? आठ। ये घटाएंगे तो कितना बचा? 21। चलिए बात, अब 21 जो है अपने पास कितना है? 21। 21 में किसका भाग जाता है? सात का भाग जाता है ना भाई, सात का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? तीन बार। यानी ये जो संख्या बची है इसमें जा रहा है सात का, तो याद रखिए यहां पर अपन कह सकते हैं 2961 सात से पूर्णतः विभाजित, सात से पूर्णतः विभाजित, सात से पूर्णतः विभाजित। अगली बात क्या करना है, कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक का दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटाते जाओ। याद है इकाई अंक कितना है? एक, सही है। एक का दुगुना कर देंगे, एक का क्या कर देंगे अपन? दुगुना, तो कितना हो गया है? दो। चलिए बात, तो यहां दो घटा दिया शेष बनी अंकों से संख्या में। अब यहां देखा तो कितना है? चार। अब यहां चार का दुगुना करेंगे, कितना करेंगे? चार का दुगुना, कितना हो गया है? आठ। चलिए बात, तो आठ घटा दिया, कितना बचा? 21। तो 21 में सात का भाग जाता है, तो 2961 में भी किसका भाग जाएगा? सात का। तो अपन कह सकते हैं 2961 किससे? सात से पूर्णतः है विभाजित है। चलिए बात, यहां तक आगे ही समझ में, इससे आगे चलते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, और यही सात का ही नियम है। इसमें किसका है? सात का। अब सात का नियम क्या है? पहली बात यहां पर सात का नियम यह है, यदि यदि एक अंकीय संख्या, एक अंकीय संख्या 6 बार लिखी जाए, 6 बार लिखी जाए, तो याद रखना उसमें सात का भाग जाता है। उसमें किसका भाग जाएगा? सात का। यानी कोई भी एक अंकीय संख्या जैसे दो है, इसको 6 बार लिख दो, ठीक है, तो इसमें किसका भाग जाएगा? सात का भाग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर, मान लो 5 5 5 5 5, कितनी बार लिख दिया मैंने? 6 बार, तो इसमें किसका भाग जाएगा? सात का पूर्णतः भाग जाएगा। कल ये बात रह जाएगी बात याद, ठीक है। यदि एक अंक की संख्या हो कितनी बार लिख दें? 6 बार। यहां पर आपको बता दूं 6 ही बार नहीं, यहां पर लिख सकते हैं आप 6 12 18 बार लिखी जाए, लिखी जाए तो भी आप याद रखना, अगर एक अंक की संख्या कितनी बार लिख दें अपन? 6 बार लिख दें, या कितनी बार लिख दें? 12 बार या 18 बार लिख दें, तो भी किसका भाग जाता है? सात का पूर्णतः भाग जाता है। रह जाएगी बात याद। यहाँ पे नंबर दो है, अगर दो अंकीय संख्या, यदि दो अंकीय संख्या, दो अंकीय संख्या 3 बार लिखी जाए, 3 बार लिखी जाए, ये तो भी सात का भाग जाता है। अगर दो अंकीय संख्या कितनी बार लिखे अपन? 3 बार, तो भी किसका भाग जाएगा? सात का भाग जाता है। जैसे अपन यहां पर लिख दें 3 7 3 7 और ये 3 7, दो अंकों की संख्या, ये लीजिए दो अंकों की संख्या है 37,
फिर 37, फिर 37 लिख दिया। अब ये 6 अंकों की बन गई है संख्या, यानी तीन दो अंक की संख्या कितनी बार लिखे, 3 बार, तो उसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 61 61 61 तो भी इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाता है। यानी दो अंक की संख्या अगर 3 बार लिखी जाए तो किसका भाग जाएगा, 7 का। जैसे अगर यहाँ पर आप लिख दें इसको 92 92 92, दो अंकों की संख्या है, एक बार दो बार तीन बार, तो भी इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। अगर एक अंक की संख्या 6 बार लिख दी जाए या 12 बार या 18 बार लिख दी जाए तो भी किसका भाग जाता है, 7 का। और अगर दो अंक की संख्या कितनी बार लिख दी जाए, 3 बार लिख दी जाए तो भी किसका भाग जाता है, 7 का। यहां से थोड़ा सा चेंज होता है और चेंज ये है, आप यहां पर इस बार कह सकते हैं यदि यदि 3 अंक की संख्या, यदि 3 अंक की संख्या 2 बार लिखी जाए, 3 अंक की संख्या कितनी बार लिखी जाए, 2 बार, तो भी उसमें 7 का भाग जाता है, तो भी उसमें किसका भाग जाता है, 7 का। ये 3 अंक की संख्या 2 बार लिखी जाए, 2 बार लिखी जाए तो भी उसमें किसका भाग जाएगा, 7 का। जैसे अपन यहां पर कह दें 341 है, 341, अब 3 अंक की संख्या है, कितनी बार लिख दिया अपन इसको, 2 बार, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाता है। जैसे अगर यहां पर लिख दिया जाए 442 400, तो भी याद रखें इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाता है। यानी कह सकते हैं एक अंक की संख्या तो कितनी बार लिखी जाए, 6 बार, दो अंक की संख्या 3 बार और 3 अंक की संख्या 2 बार लिखी जाए तो वो किससे विभाजित हो जाती है, 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। रजाई बात, यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ 7 के अलावा भी नियम है। जैसे अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक ये है 2929, दो अंक की संख्या कितनी बार लिखी गई है, 2 बार, तो याद रखना इसमें जो है सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या का भाग जाता है। सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है, 101, इसमें किसका भाग जाएगा, 101 का भाग जाता है। चलिए बात यहाँ ठीक है। अब क्या है, इसको प्रोसेस को समझना है आपको। जैसे मैंने यहां लिखा 2929, तो यहां पर डिवाइड चला गया कितना, अपन कह सकते हैं कितना भाग जा रहा है, 101 का, क्लियर। अगर यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, देखिए यहां यहां अपन कह रहे हैं 2929, सबसे छोटी अभाज्य 3 अंक की संख्या अभाज्य कितनी है, 101, तो 101 कब आ जाता है। अगर मैं इसको लिख दूं 29 और ये 29 है, कहिए बात, तो कितने का आ गया, 101 का। अगर मैं यहां पर एक जोड़ा और लिख दूं तो याद रखना यहाँ 01 और आ जाएगा, कितना जाएगा, 01। अगर मैं यहाँ पर 29 और लिख दूं तो यहाँ पर 01 और आ जाएगा, ये ऐसे होता है, सही है। यानी अगर आपको पता है मैंने लिखा है एक संख्या लिख रहा हूं कितनी, 4 2 और 4, ठीक है, तो इसमें भाग किसका जाएगा अपने पास, ये पूर्णतः विभाजित है 101 से। अगर दो अंक की संख्या कितनी बार लिख दें, 2 बार, तो कितना का भाग जाता है, 101 का। अगर मैं यहाँ पर एक और बढ़ा दूं इस जोड़े को तो यहाँ 01 और बढ़ जाएगा। अगर मैं एक और बार बढ़ा दूं तो 01 एक और बार आ जाएगा, एक और बार बढ़ा दूं तो 01 एक और बार आ जाएगा। ये नियम होता है किसका, अपने पास 101 का। कहिए बात, कितना, अगर दो अंक की संख्या कितनी बार लिखी गई है, 2 बार, तो किसका भाग जाता है, 100 का। अब एक जितना पेयर बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसमें क्या बढ़ता जाएगा, 01। इसी को अगर आगे समझे, अपन यहाँ पर लिख दें, जैसे अपन ने लिखा कितना, 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है 442 400, 3 अंक की संख्या है, तो याद रखना यहां पर जो है, यहां पर ये विभाजित होती है 1001 से, कितने से, 1001 से, कलिए बात। यानी जैसे मैं लिखूं 442 442, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में जो है वो भाग जाएगा कितने का, 1001, कलिए बात। अगर मैं यहां पर एक और पेयर लगा दूं, यहां पर इतना लिख दिया, तो यहां पर है ना 001 और रह जाएगा, कितना हो जाता है, 001। अगर एक और बार लिख दूं तो यहां पर याद रखो एक और बार आ जाएगा 001, ये होता है, क्लियर बात, यहां पर याद आ जाएगी। अगर 3 अंकों की संख्या है तो 1001 का, और 2 अंकों की संख्या है तो 101 का। अब जितने बार बढ़ाते जाएंगे उतना उसमें तो 01, इसमें 001 बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, रह जाएगी बात याद। इसे आगे समझे, यहां तक अपन समझ सकते हैं कि समझने वाली बात यह है कि अगर अपन ने देखा सभी तरीकों में कि यहां पर एक जैसी है 6 6 6, चलिए बात, यहां पर तो अपने पास है संख्या, यहां तो क्या है
संख्या और यह है से विभाजित, से विभाजित। तो यहां पर याद रखना अगर एक अंक की संख्या है कितनी बार लिख दिया 6 बार, तो याद रखना यहां बार जो जाएगा वो 3, 7, 11, 13 और 37 का बार जाएगा। कितने का जाता है 3, 7, 11, 13 और 37 का। कलियर बात यहाँ, यहाँ पे अपन ने देखा अगर दो अंक की संख्या है 2929, ठीक है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं किसका भाग जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं 101 का। कितने का कह सकते हैं 101, यानी यहां हो जाएगा 101। कलियर बात यहाँ, अगर यहाँ पर अपन ने देखा कि अगर इस संख्या को और बढ़ा दें जैसे 2929 और 29 है, कलियर बात, तो अपन कह सकते हैं 101 है। अब एक फिर बढ़ गया तो 01 और बढ़ा दो। कलियर बात यहाँ, यहाँ पे फिर अपन ने देखा यहाँ कह सकते हैं अपन जैसे यहाँ कह दिया गया 442 तो इसमें किसका भाग जाएगा तो 7 का और 1 कह सकते हैं 7 और 1001। अगर एक पेयर और बढ़ा दूं तो जैसे एक पेयर और बढ़ा दिया जैसे यहाँ लिख दिया 442 ये लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो है ही और एक पेयर और बढ़ जाएगा, ये लीजिए। क्लियर बात है, यानी एक पेयर और बढ़ाना पड़ेगा आपको यहाँ। देखिए यहाँ एक इतना है तो अपन कह सकते हैं कितना है 1001 है। क्लियर बात, अगर यहाँ एक पेयर और बढ़ा दिया मैंने तो अपन क्या कह देंगे यहाँ 001 आ जाएगा, ये ऐसा नहीं आता, ठीक है, रह जाएगी बात याद। यहाँ पर कितने का हो रहा है 101 का, फिर आपने बढ़ा दिया है संख्या को कितनी बार लिख दिया 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा इतना, यहाँ आप दे सकते हैं 7 का भी दे सकते हैं। क्लियर बात यहाँ, तो ऐसा नियम होता है, रह जाएगी बात याद, बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आगे चलते हैं और आगे नियम समझिए। आगे नियम क्या है, अपने पास हो गया कितने का 7 का, 8 का नियम हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया और 11 का नियम देखते हैं। कितने का नियम देखते हैं, 11 का नियम, देखिए 11 का नियम, 11 का नियम बहुत ईजी है। नियम क्या है, यदि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग कर दें तो या तो 0 बचे या 11 से विभाज्य, अगर कोई संख्या बच रही है तो उसमें 11 का पूर्णतः भाग जाता है। क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर क्या हो, 0 हो या क्या हो 11 से विभाज्य, तो उसमें किसका भाग जाता है 11 का भाग जाता है। जैसे यहां कह सकते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग और यहां माइनस कर देते हैं सम स्थानों के अंकों का योग। तो यहां पर अगर अपने पास बच रहा है 0 या 11 से विभाजित तो उस संख्या में याद रखना हमेशा किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा। जैसे अपन एक संख्या लेंगे देखिए यहां पर एक संख्या ले ली अपन ने, ये पहले बात है विषम स्थान देखें एक बार अपन, जैसे ये हो गया विषम स्थान 6 का, ये हो गया 8, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितने हो गए 21। क्लियर बात, 18 और 3 कितने हो गए 21। अगर यहां निकालें आप सम पे 2, 2 और 5 7, 7 और 3 कितने हो गए 10। क्लियर बात यहाँ, यानी अपन यहाँ कह सकते हैं 21 माइनस 10 कितना आया 11 आ रहा है ना, तो इस संख्या में 62,85,433 जो है इस संख्या में किसका भाग जाता है 11 का भाग जाता है। ये किसका नियम है, 11 का नियम होता है, किसका नियम है 11 का, ठीक है, रह जाएंगे बात याद। अन्य नियमों की अगर आप बात करें, अन्य नियम है, अन्य संख्या की बात है, जैसे यहां अगर बात करें अपन, मान लो आपको कह दिया 88, कितने कह दिया 88 का नियम, तो 88 का नियम क्या है, सीधी बात है 11 गुना 8 इतने तो है 88, यानी अगर 11 और 8 का नियम लगता है तो उसमें 88 का नियम लग जाएगा। 11 का विषम स्थान का योग और 8 का क्या है अंतिम 3 स्थान पर क्या हो
जीरो हो या उनसे बनी गई संख्या में आठ का भाग देते हैं, इसमें किसका भाग चला जाएगा, अट्ठासी का भाग चला जाएगा। रह जाएगी बात याद यहाँ, या आपको मान लीजिए यहाँ कह दिया जाए, यहाँ कह दिया 132 का नियम, ठीक है। तो 132 का नियम है, यहाँ पर कह सकते हैं 12 गुणा 11 कर दें। अगर इसमें 12 का नियम लगता है, 11 का नियम क्या है समझता हूँ, सम का नियम 12 का नियम करेंगे तो किसका हो गया, 4 और 3 वाला, क्लियर बात। तो ऐसे अपन बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कह दिया जाए 25 का नियम, किसका नियम है, 25 का नियम। तो 25 का नियम क्या है, अगर अंतिम दो अंक में 25 का भाग जाता है तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होती है। 25 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ये किसका नियम है, 25 का, रह जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर 125, ठीक है, तो 125 का नियम क्या है, सीधी बात यह है कि यहाँ पर कितने अंतिम दो अंक और यहाँ पर 125 में आते हैं अंतिम तीन अंक में 125 का भाग जाता है तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये लीजिए, ठीक है। 25 का क्या है, अंतिम दो अंकों में किसका भाग जाए, 25 का, और 125 का क्या है, अंतिम तीन अंकों में। अगर आपको 88 कह दिया तो क्या करना है, 88 का नियम 11 गुना 8 होता है ना, तो आप कह सकते हैं अगर 11 का भाग गया और 8 का भाग गया तो चला जाएगा। 132 का नियम लगाना है तो 12 गुना कितना हो गया है, 11। तो अगर जिसमें 12 और 11 का भाग जा रहा है तो उसमें कितने का भाग जाएगा, 132 का जाएगा। मान लीजिए आपको कह दें 72, ठीक है, 72 का नियम। अब देखिए 72 का नियम बहुत ईजी है, क्या है, अपने को बस 72 को तोड़ना है, यानी 72 का मतलब हो गया 9 गुना 8, 9 टा 72, यानी 9 का भाग जाए 8 का भाग जाए तो उसमें किसका भाग जाता है, 72 का भी भाग जाता है। ये नियम हो गए हैं अपने विभाज्य नियम, सही। अपने 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देखा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, ठीक है। फिर उसके बाद में ये नियम देख लिए, तो यहां से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं और यहीं तक अपने पैटर्न है। ये बहुत ज्यादा हो गया, ये तो आप देखे तो देखे, लेकिन ये काम की चीज है, और इससे तो अपना एक सीटेट क्वेश्चन भी आया हुआ है जहां 72 से विभाज्य बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपन सोल्व भी करेंगे आगे, तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो साथियों आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लासेस के जो वीडियो है उन्हें लाइक और शेयर कीजिए, और जो आपके डिवाइस है उस पर बेल आइकन का एक मार्क दिखाई दे रहा होगा उसको आप दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे जल्दी क्लासेस के वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।